Namaste. It is said that we will never be living our lives without a context. Some or the other context will be a part of our life. कुछ ना कुछ मुद्दा तो होता ही है. तो अगर आप ऑफिस जाते हो तो कोई मुद्दा होता है. आप घर आते हो तो there's a mudda in your mind. आप कॉलेज जा रहे हो, यंगस्टर्स हो, अगर कॉलेज जा रहे हो तो मुद्दे हैं. बहुत सारे मुद्दे हैं आपके पास. तो अगर आप बाहर दोस्तों के साथ जा रहे हो तो एक मुद्दा है. ट्रैवल कर रहे हो तो मुद्दा है. सो वी विल नेवर बी फ्री ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट इन लाइफ. अब हम लाइफ में कितना आगे बढ़ पाते हैं, कितना हम कुछ कर पाते हैं या कितना हम नहीं कर पाते, ये डिपेंड करता है अ लॉट ऑन द कॉन्टेक्स्ट विच वी हैव. तो अगर आप जब ऑफिस जाते हो, बिजनेस में जा रहे हो, सो इफ यू आस्क योरसेल्फ क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या मुद्दा है. इज इट टू मेक सम मनी? Is it to service a small opportunity? Is it to have some discussion with my team members for today, for tomorrow? Or is it something big which I have in mind जिसके लिए मैं जा रहा हूँ? शायद उसका काम आज छोटा है लेकिन मुद्दा मेरा बड़ा है. तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? सेम इज द केस विद व्हेन यू गो होम. मुद्दा क्या है? जब मुद्दे छोटे होते हैं तो फिर कम्युनिकेशन भी छोटी होती है, बातें भी छोटी होती हैं. तो आप घर जाओगे, अगर मुद्दे छोटे हैं तो बात क्या होगी? खाना खा लिया? खाने में क्या बनाया है? अच्छा, बच्चे आए स्कूल से एंड कोई मिलने तो नहीं आया था. सो दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विच विल हैपन बिकॉज मुद्दे कहीं ना कहीं जाने अनजाने में मुद्दे छोटे हैं. सेम इज द केस विद चिल्ड्रन कि अगर मुद्दे छोटे हैं तो फिर आप स्कूल की बातें करोगे, आप उनका क्लास की बात करोगे, आप एग्जाम्स की बात करोगे, रिजल्ट्स की बात करोगे. आई एम नॉट सेइंग ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनसे भी कहीं बड़ी चीज़ें हो सकती हैं. We can talk about dreams at home, we can talk about ambitions, we can talk about the future which we want to create, we can talk about hurt, we can talk about what pain points we have, we can talk about how do we do things together as a family. So goals ki baatein ho sakti hain, bahut sari cheeze, creativity ki baat ho sakti hai, aspiration ki baatein ho sakti hain. To jitna hamare mudde strong honge utne mujhe lagta hai hamare rishte strong honge. Youngsters who are going to college, to kya mudda hai jisse aap college, jiske liye aap college ja rahe ho? Is it to just pass your exams? Is it to pass your time? Is it that wo sare mudde hain jinko aapne service karna hai, jo canteen mein baithi hain mudde ya baithe hain? Mujhe nahi malum aapke mudde kya hain, but can we have a bigger context? And the more bigger context we have, the more our potential is going to be utilized. To mujhe lagta hai ki rishte kamzor nahi hote hain, rishton ke andar ke mudde kamzor ho jate hain. Societies kamzor nahi hoti, jo society mein log rehte hain unke kahin mudde kamzor ho jate hain. Business houses kamzor nahi hote, जो लोगों के अंदर का एक बर्ताव है, जो एक सोच है, वो कहीं कमज़ोर हो जाता है, वो मुद्दे कमज़ोर हो जाते हैं. तो देश कमज़ोर नहीं होता, देश में जो लोग हैं उनके पास मुद्दे नहीं होते. तो जिनके मुद्दे नहीं होते, कॉन्टेक्स्ट सही नहीं होते, तो वो बहुत अनप्रॉफिटेबल चीज़ें करते हैं. सो मुझे लगता है कि जितना हमारे पास अच्छा मुद्दा होगा उतना हमारा पोटेंशियल निकलेगा. जितना अच्छा कॉन्टेक्स्ट होगा उतनी काबिलियत को हम यूटिलाइज कर पाएंगे. सो आई बिलीव विद अ विश दैट वी क्रिएट बिगर कॉन्टेक्स्ट, बिगर मुद्दाज इन अ लाइफ, सो वी कैन मैक्सिमाइज अ पोटेंशियल एंड वी कैन मेक अवर लाइव्स सो वेरी पावरफुल. Bye for now. Namaste.